अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि लिटिल हार्ट चॉकलेट कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लिटिल हार्ट बिस्किट, और मैंने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट। मैंने बॉर्नविल की डार्क चॉकलेट ली है, आप चाहें तो अमूल की या फिर कोई भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है दूध, और मैंने यहाँ पे लिया है बादाम जिन्हें बारीक काट लिया है, आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल, और इसमें मैं अपनी चॉकलेट को डाल दूँगी तोड़ करके। तो मैंने अपनी सारी चॉकलेट को तोड़ लिया है, और आप साइज देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और दूध को डालने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मुझे अपनी चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो मैं इसे अवन में मेल्ट करूंगी। तो मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी चॉकलेट है उसे मैंने मेल्ट कर लिया है। मैंने इसे अवन में 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव मोड पे इन्हें मैंने जो है चला लिया था। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर से गैस पर भी मेल्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अब आप देख सकते हैं हमें इतनी ही थिक चाहिए हमारी चॉकलेट। तो अब हम चलते हैं अपने बनाने के प्रोसेस पे। तो मैं यहाँ पे अपने जो लिटिल हार्ट बिस्किट है उसको अपने चॉकलेट में डिप कर लूँगी अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको इस तरीके से हिला दूंगी ताकि जितने भी एक्सेस चॉकलेट है वो निकल जाए, और इसको मैं रख दूंगी अपने पेपर में, और इसके ऊपर मैं डेकोरेट करने के लिए अपने बादाम को डाल दूंगी। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, या काजू भी ले सकते हैं, या किशमिश वगैरह, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से मिक्स करना है चॉकलेट के अंदर बिस्किट को, और इसको इस तरीके से हिला लेना है ताकि जितने भी एक्सेस चॉकलेट है नीचे गिर जाए, और इसको रख देना है। तो इसी तरह हम अपने बाकी का सारा तैयार कर लेंगे बिस्किट को। तो अब हमारी सारी बिस्किट जो है वो अच्छे तरीके से तैयार है, तो अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 40 मिनट हो गया है और मैंने इन्हें निकाल लिया है, और अब ये अच्छी तरीके से बन करके तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।